वेलकम टू एनिमेलियन वर्ल्ड। दोस्तों, जापान के एक शहर तोशिकी के नासो डिस्ट्रिक्ट में चट्टान को किलिंग स्टोन या जापानीज में शीशो शेकी कहा जाता है। अब हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले यह पत्थर अपने आप दो हिस्सों में टूट गया। तो आखिर क्या है इस किलिंग स्टोन की हिस्ट्री, चलिए जानते हैं। माना जाता है कि ये पत्थर में नौ पूंछ वाले एक भेड़िए की आत्मा थी, जो कि एक औरत तमामों ने माई का रूप लेकर बड़े बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया। पुरानी कहानियों के अनुसार सबसे पहला जिक्र इसका चाइना की सेंग साम्राज्य में होता है, जहां पर इसने वहां के राजा को वश में करके पूरे सेंग साम्राज्य का अंत कर दिया। उसके बाद ये भारत के मगध साम्राज्य में भी आई और वहां पर इसने हजारों लोगों को मारा। उसके बाद जापान के एक समुराई लजुसो हिरोशिना ने उसे जापान के एक गाँव नासो में पकड़ कर एक पत्थर में बदल दिया। फिर एक जापानी मॉन्क ने उस पत्थर के टुकड़े कर दिए और उसमें से सबसे बड़ा वाला हिस्सा किलिंग स्टोन कहलाया। अब दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ रिसर्चर्स के अनुसार इस पत्थर के टूटने का कारण टॉक्सिक गैसेस का रिसाव और बहुत ही ठंडे टेम्परेचर का होना है। अब दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, मैं कमेंट्स में जरूर बताइए। तो हम इंसान अपने दोस्तों को बुलाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एक दूसरे को पहचानने के लिए हम चेहरे का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम देख नहीं सकते तो फिर हम एक दूसरे को आवाज़ से भी पहचान सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक डॉल्फिन अपने दोस्तों को कैसे पहचानती? दरअसल, अभी तक की स्टडीज़ में हमें यह मालूम था कि डॉल्फिन मछली एक यूनिक विसल साउंड निकालती है, जिससे कि उसके दोस्त उसे पहचान सके। लेकिन हाल ही में टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में हमें यह पता चला है कि डॉल्फिन एक दूसरे के पेशाब का इस्तेमाल भी करती है पहचानने के लिए। नेट जियो के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के एक मरीन बायोलॉजिस्ट जेसन ब्रुक ने हमें यह बताया कि जब वे बॉटलनोज डॉल्फिन पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि डॉल्फिन विसल के साथ साथ अपना यूरिन सैंपल भी बाहर छोड़ती है, जिससे कि उसके दोस्त उसकी आवाज़ सुनकर और फिर उसके पेशाब को टेस्ट करके अपने दोस्त को पहचान लेती है। तो इसलिए बॉटलनोज डॉल्फिन एक दूसरे का पेशाब पीती है। दोस्तों, इस छोटे से प्यारे से जानवर को तो आप जानते होंगे, इसका नाम है वुड बिलाव, या फिर इंग्लिश में इसे सी ऑटर भी बोलते हैं, और कुछ मूवीज में भी इसे आपने देखा होगा, जैसे कि फाइंडिंग डोरी। दोस्तों, ये जानवर जितना क्यूट दिखता है, ये सोता भी उतने ही क्यूट तरीके से। वैसे तो ये ज़मीन पर ही सोते हैं, लेकिन कई बार ये अपने पार्टनर के साथ पानी में भी सो जाता है, और तब यह एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सोते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इन्हें यह डर रहता है कि कहीं नींद में ये लोग पानी के साथ बहकर एक दूसरे से बिछड़ ना जाए। तो देखा आपने कितने प्यारे होते हैं ये। अब थोड़ा प्यार हमारे वीडियो पर भी दिखाइए। छोटी सी चींटी को तो आपने देखा ही होगा, बेचारी कई बार आपके पैरों के नीचे दबकर मर भी जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक चींटी एक गोली से भी खतरनाक हो सकती? दोस्तों, अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी चींटी की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुलेट एंट। इस चींटी को मोस्ट पेनफुल इंसेक्ट बाइट इन द वर्ल्ड का भी टाइटल मिल रखा है, और इसके एक बार काट लेने से एक गोली लगने के बराबर का दर्द होता है, और यह दर्द 24 घंटों तक रह सकता है, इसलिए इसका नाम बुलेट एंट रखा गया है। और यह चींटियों की सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज भी है। दोस्तों, ब्राजीलियन अमेजन में एक जनजाति सतेरे मोए में एक अजीब सी प्रथा है, जिसमें लड़कों को इन चींटियों से भरे दस्ताने पहनने होते हैं और काफी देर तक इस खतरनाक दर्द को सहन करना होता है, ताकि लोग उन्हें एक सच्चा योद्धा माने। स्विफ्ट कार का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्विफ्ट नाम के एक पक्षी के बारे में सुना है? दोस्तों, स्विफ्ट एक ऐसा पक्षी है जो लगभग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उड़ने में ही निकाल देते हैं। इनका खाना पीना यहाँ तक कि सोना भी हवा में ही होता है, और सोते वक्त इनका आधा ब्रेन उड़ने में मदद करता है और बाकी आधा ब्रेन सोता है। इसका नाम दुनिया की फास्टेस्ट बर्ड की लिस्ट में दर्ज है। माना जाता है कि यह लगातार उड़ते रहती है और 10 महीनों में सिर्फ 2 घंटों के लिए रुकती है, वो भी सिर्फ अंडे देने के लिए। दोस्तों, एक स्विफ्ट 31 मीटर पर सेकंड और 112 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड से उड़ सकती है, और एक साल में कॉमन स्विफ्ट कम से कम 2 लाख और अपनी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो कि 5 बार चंद्रमा पर जाकर वापस आने के बराबर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक और शेयर कीजिए, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए एनिमेलियन वर्ल्ड।